शिवलिंग के वैदिक रहस्य। शिवलिंग को समझने के लिए पहले आपको इसके मीनिंग को समझना जरूरी है। वेदों के अनुसार ऋषि का अर्थ है शक्ति, जो पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। इसी शक्ति के बैलेंस को बनाए रखने के लिए उसमें व जोड़ा गया, जिससे उसका संतुलन बना रहे। इन दोनों शब्दों का अगर कोई लगातार जाप करे तो वह एक बैलेंस्ड शक्ति की वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस कर सकता है। अगर इसी एनर्जी को हम एक शेप में ट्रांसफॉर्म कर दें तो वह शिवलिंग के शेप का दिखाई देगा। मतलब कि वेदों में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी शिवलिंग एक शक्ति का प्रतीक है। यदि आप किसी पौराणिक शिवालय में जाएंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि उसके आसपास की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, और इसी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के सर्कल में आप कोई इच्छा करते हैं तो आपके थॉट्स की वाइब्रेशन दुगनी तेजी से काम करती है। यानी इस जगह आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी काम करेगा, क्योंकि एनर्जी के वाइब्रेशन जितनी तेजी से काम करेंगी उतनी तेजी से विचारों की रियलिटी में पूरा हो जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए लोग इस तरह की जगहों पर अपनी इच्छाओं की कामना करते हैं। लेकिन अब आप जब भी ऐसी जगह पर जाएं तो पहले वहां की वाइब्रेशनल एनर्जी को महसूस करें। आप देखेंगे कि आपका ऑरा प्योर हो रहा है। अब ये ऑरा क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। एक इंसान के थॉट्स या नेचर के बेस पर शरीर के आसपास जो एनर्जी निकलती है उसे हम ऑरा कहते हैं। ऑरा आपके सात्विक और तामसिक स्वभाव के आधार पर चेंज होता रहता है। ये कभी एक जैसी एनर्जी रिलीज नहीं करता। इसे इस तरह समझते हैं, जब भी आप बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे या बहुत ज्यादा दुखी होंगे तब आपका ऑरा नेगेटिव एनर्जी में बदल जाता है, और जब आप खुश होते हैं या बहुत शांत होते हैं तो आपका ऑरा पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाता है। मतलब जैसा आपका ऑरा होगा आप सामने वाले को वैसी ही एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होंगे। जैसे आपका ऑरा नेगेटिव एनर्जी में है तब आप सामने वालों को भी नेगेटिव कर रहे होते हैं, जिससे लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने चक्र को एक्टिवेट करें तब हमारा ऑरा नेगेटिव एनर्जी वाले ऑरा को भी पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकता है। मतलब आपके सातु चक्र एक्टिवेट हैं तो आप किसी भी नेगेटिव विचार वाले व्यक्ति के सामने आकर उससे बातें करेंगे तो उसका ऑरा भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एक पॉजिटिव ऑरा आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, जिससे आप कहीं भी जाएं तो लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। अगर आप अपने ऑरा को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट करना सीखना होगा। चक्रों को कैसे एक्टिवेट करना है हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।